खुर्द परियोजना पीड़ितों को न्याय देने, परियोजना की अधिकतम जल भंडारण क्षमता के कारण प्रभावित क्षेत्र का पुनः शिक्षण करने व पुनर्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऐसे आदेश जल संसाधन मंत्री जयंत पाटिल ने दिए। विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि पहले पुनर्वास व फिर बांध इस तत्व के अनुसार गोसी खुर्द परियोजना प्रभावित क्षेत्र के सभी गांवों को न्याय मिलना चाहिए। गोसी खुर्द परियोजना प्रभावित संघर्ष समिति की मांग व बाढ़ की स्थिति के कारण इस विभाग के कई गाँवों में पानी घुस गया है, जिसके कारण इस विषय को लेकर पटोले की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। सहायता एवं पुनर्वास राज्य मंत्री प्राजक्ता तनपुरे, विधायक नरेंद्र भूंडेकर, जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव लोकेश चंद्र, वित्त विभाग के सचिव राजीव मित्तल, जल संसाधन विभाग के सचिव एनवी शिंदे, जिलाधिकारी संदीप कदम, पुनर्वास विभाग के उप सचिव संजय बनकर, गोसी खुर्द परियोजना प्रभावित संघर्ष समिति के यशवंत टिचकुले, मंगेश वंजारी आदि उपस्थित थे। BS क्राइम इंडिया न्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए YouTube, वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो देख लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले और Google Play Store से bscrimeindianews.com के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रोजाना ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे।